click the bell icon and never miss another update from Bollywood Spy. I'm very excited because मेरे लिए दोहरी खुशी है क्योंकि ट्यूबलाइट रिलीज पर है और कवर पेज पे सलमान सर है, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्यों नहीं है। तो मैं यहाँ पर शामिल हुई हूँ बहुत एक्साइटेड होकर, क्योंकि बिल्कुल सही मौके पर ये मैगज़ीन रिलीज़ हो रही है, तो आई एम वेरी रियली वेरी एक्साइटेड। बिल्कुल टफ नहीं रहा, सब मुझसे यही सवाल पूछते हैं। सलमान सर बिल्कुल टफ इंसान नहीं है, वो बिल्कुल इन्जॉय करते हैं, बिल्कुल इन्जॉय करते हैं काम को, और स्टेप्स भी उनकी बहुत स्पॉन्टेनियस होती है। हम लोग कोरियोग्राफ करके जाते हैं और वो अपना एक मसाला लगाते हैं और फिर वो स्टेप यूनिक हो जाती है और सारे लोग करने लगते हैं, तो वो इन्जॉय करते हैं अपने काम को। काम उनकी ज़िंदगी है, तो ही इन्जॉयज हिज वर्क, और वो रिफ्लेक्ट होता है उनके काम में। इसलिए तो हर इंसान, बच्चा छोटा बड़ा, सब कोई उनके स्टेप्स कर रहा है, तो डिफ़िकल्ट नहीं है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू यूज़ योर ब्रेन कि किस लिरिक्स पे किस कैरेक्टर को कौन सा स्टेप दिया जाए कि वो अच्छा लगे। और सलमान सर पे तो उनका खुद का यूनिक स्टाइल है, तो मैं जब कोरियोग्राफ करके स्टेप ले जाती हूँ, वो उसमें उन्हें अच्छा लगता है तो वो चेंज नहीं करते, फिर कभी अपना थोड़ी सी अपनी चेंजेस और अपनी अदाओं से वो स्टेप को कमाल कर देते हैं। तो डिफ़िकल्ट नहीं है, आई थिंक वी आर कनेक्टेड, इतने सालों से साथ में काम कर रहे हैं। मैं असिस्टेंट थी तब, मैंने उनकी बहुत सारी फिल्में की है, और फिर इंडिपेंडेंट होने के बाद भी इतनी सारी फिल्में, तो आई थिंक आई काइंड ऑफ नो हिम। उनके साथ काम करने के लिए उन्हें समझना ज़रूरी है। मैं बहुत ईजी गो लकी इंसान है, और कम से कम आई लव हिम बिकॉज उनका बहुत ज़्यादा मेरे करियर में योगदान रहा है। तो आई एम रियली ग्लैड एंड होप के लोगों को ट्यूबलाइट बहुत पसंद आएगी और लोग उन्हें उतना ही प्यार देंगे जितना वो अपनी ऑडियंस को प्यार देते हैं।